तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सेम स्टेप की वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। अगर आप इस टाइप की रील्स बनाना चाहते हो तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो आपको मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा जिसकी मदद से ना आप इस रील को ना 1-2 सेकंड में बना सकते हो। बस आपको अपनी फोटो सेट करनी पड़ेगी और आपकी ये वाली रील्स बन जाएगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें अगर आप भी इस टाइप की वीडियो बनाना चाहते हो। नहीं तो ये वाली रील्स ना मुझे इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड्स ने शेयर की थी। भाई इस टाइप की रील्स का ट्यूटोरियल लेकर आओ अपने यूट्यूब चैनल पर, हम भी इस टाइप की रील्स बनाना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट भी दे दो। तो आज मैं आपको प्रोजेक्ट भी दूंगा और आपको मैं बताऊंगा अभी कि आप इस टाइप की रील्स कैसे बना सकते हो। अरे टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना यहाँ पे आप देख सकते हो 18K+ व्यूज आ गए इस रील्स पे, जो ओरिजिनल रील्स है। ये रील्स वायरल हो रही है। अगर आप अभी वीडियो बनाकर अपलोड करते हो तो हो सकता है आपकी रील्स भी वायरल हो जाए। तो यहाँ पे आप जैसे 21 रील्स बनी है, तो आप भी बना सकते हो, बनाना चाहते हो तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस ऑडियो का लिंक ना मैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जो आप मेरी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, जब आपकी रील्स बन जाएगी तो ऑडियो पे क्लिक करके ना आप अपनी रील्स अपलोड कर देना इस ऑडियो पे, तो आपकी रील्स भी यहाँ पे शो होने लगेगी, तो हो सकता है आपकी रील्स भी वायरल हो जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए आपके पास 2 एप्लीकेशन होने चाहिए, जिस ऐप से आप वीडियो एडिट करोगे और जिस ऐप से आप ना प्रोजेक्ट को डाउनलोड करोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से ऐप है वो। पहले नंबर पे तो VN एप्लीकेशन होगा, जिस ऐप से आप ये वाली वीडियो बनाओगे। और सेकंड नंबर पे टेलीग्राम। ये 2 एप्लीकेशन आपके पास हो गए तभी आप इस टाइप की रील्स 1-2 सेकंड में बना सकते हो। नहीं तो बहुत सारे वीडियोस और भी यूट्यूब पर अपलोड हैं जो आपको बताते हैं कि इस तरह से एडिट करो अपनी फ़ोटोस लगाकर। तो मैं आपको डायरेक्ट आपको मैं प्रोजेक्ट दे देता हूँ जिससे कि आपको रील बनाने में आसानी हो। तो आपको ना प्रोजेक्ट का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने दिया होगा। जब आप उस प्रोजेक्ट पे लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आप देखो, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स ज्वाइन करके रखा हुआ है। आप देखो 2.1K सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पर। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लें। यहाँ पर जो भी रील्स वायरल होती है उसका प्रोजेक्ट बना के मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, और रील्स ऑडियो जो भी सब कुछ यहाँ पे शेयर करते हो, जिससे कि आपको रील बनाने में आसानी हो, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। समझ रहे हो ना। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन होगा इसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लें। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है ना एक टेलीग्राम पर, तो फ्रेंड्स से मैंने पूछा कि किस किस को इसका ट्यूटोरियल चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं और व्यू भी आप जैसे हो लाइक भी किया है। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिखा था, मैंने न्यू पेज क्रिएट किया है, जो पहले 500 फॉलोवर होंगे मैं उनको फॉलो बैक करूँगा। तो आपको उस आईडी का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाए। अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं आपको फॉलो बैक जरूर करूँगा। अगर 500 फॉलोवर हो गए उससे नीचे 500 फॉलोवर है ना, तो मैं आपको फॉलो बैक भी करूँगा। अगर उनसे ज़्यादा हो गए तो फॉलो बैक नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। तो जल्दी से आप फॉलो कर लें, जो जल्दी से पहले फॉलो करेंगे मैं उनको फॉलो बैक करूँगा। तो आपको ना ये वाली वीडियो दिख रही होगी ना, जो ये मैसेज दिख रहा है, मैसेज के नीचे मैंने एक प्रोजेक्ट शेयर कर दूँगा इस रील का। बस आपको उस प्रोजेक्ट पर आप जब क्लिक करोगे तो हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर एक प्रोजेक्ट दिया होगा, बस आपको उस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। तो डायरेक्ट आपको जो प्रोजेक्ट होगा ना आपके VN एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा, जिस तरह से आप यहाँ पे इस स्क्रीन पर दिख रहे हो। तो मैंने ये वाला प्रोजेक्ट बनाकर रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रोजेक्ट को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आपने ये वाला प्रोजेक्ट देख लिया है। तो अब मैं आपको फ़ोटो सेट करना बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना। अगर आप और कोई वीडियो बनाना सीखना चाहते हो, उस वीडियो को ना लिंक मैंने लास्ट में आपको पेस्ट कर दूंगा। लिंक नहीं है, एक बैनर दिखाएगा आपको 4 वीडियोस का। अगर आप उनमें से कोई वीडियोस देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो, वो भी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो उनका प्रोजेक्ट मैंने उन वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो वो भी रील्स देख लेना अगर आप बनाना चाहते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें अगर आप इस टाइप की वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। तो मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया, तो आपको VN एप्लीकेशन में ये वाला प्रोजेक्ट ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना होगा,
फर्स्ट नंबर वाली फ़ोटो, यहाँ पे लिखा हुआ ना फर्स्ट नंबर वाली फ़ोटो जो है उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आपको फोटो सेलेक्शन पे चले जाना होगा। तो आपको कोई भी फ़ोटो ऐड कर लेनी होगी जो आप फ़ोटो ऐड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से एक ये वाली फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये फ़ोटो एक सेलेक्ट कर ली। आप देख सकते हो आपकी भी फ़ोटो इस तरह से ऐड हो जाएगी, बस आपको रिप्लेस करना होगा। फिर सेकेंड नंबर वाली फ़ोटो है इस पर क्लिक कर देना होगा आपको, और नीचे रिप्लेस का ऑप्शन दिखेगा, फिर आपको रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटोस पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से वही फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी होगी जो आपने पहले सेलेक्ट की थी। इस तरह से ना सभी फ़ोटोज़ को ना आपको रिप्लेस कर लेना होगा। तो मैं जल्दी से रिप्लेस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर कौन सी फ़ोटो क्रॉप करनी होगी, किस तरह सब कुछ करना होगा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं जल्दी से रिप्लेस कर लेता हूं, रिप्लेस करना आपको पता चल गया होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने रिप्लेस कर लिए सभी फ़ोटोज़। तो यहां पे आपको पहले मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं फिर से। है ना, फ़ोटो तो रिप्लेस कर लिए, अब फ़ोटो को एडजस्ट कैसे करोगे आप वो ध्यान से देख लो। आपने फुल फ़ोटो ऐड करनी है पहले नंबर पे। यहाँ पे अगर आप फ़ोटो ऐड करना करते हो, अगर आपकी फ़ोटो इस तरह हो जाती है, क्रॉप हो जाती है, आपको क्या करना, ऊपर ओरिजिनल लिखा होगा, ओरिजिनल पे क्लिक करके यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर लेना होगा 9.16। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको अपनी फ़ोटो पे क्लिक करना होगा। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद दोनों उंगली से जूम कर सकते हो और यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, क्रॉप भी कर सकते हो, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो तो आपकी फ़ोटो एडजस्ट हो जाएगी इस तरह से। सेकेंड नंबर वाली जो फ़ोटो है इसको मैंने थोड़ा सा क्रॉप किया है, आपको भी थोड़ा सा क्रॉप करना होगा। जब आप फ़ोटो रिप्लेस करोगे तो आपकी फ़ोटो इस तरह होगी, तो आपको थोड़ा सा जूम कर लेना होगा फ़ोटो को, तो क्रॉप कर लेनी होगी इतनी फ़ोटो, इस तरह से क्रॉप कर लेनी होगी। थर्ड नंबर वाली फ़ोटो पे आना होगा आपको, इफेक्ट तो मैंने प्रोजेक्ट में लगा दिए, बस आपको फ़ोटो सेट करनी है और फ़ोटो को क्रॉप करना है। तो थर्ड नंबर वाली फ़ोटो फुल साइज है, तो आपको फुल साइज ही रहने देना होगा। जो ब्लैक इफेक्ट लगा है फ़ोटो में, ये ऑटोमेटिक आपकी फ़ोटो में लग जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर वाली फ़ोटो आ गई है, इस फ़ोटो को भी आपको क्रॉप कर लेना होगा। जब आप फ़ोटो रिप्लेस कर लोगे आपकी फ़ोटो इस तरह होगी, इस तरह भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है, तो आपको उंगली से फ़ोटो एडजस्ट कर लेना होगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे आप फोर्थ फ़ोटो होगी, फिफ्थ नंबर वाली फ़ोटो पे चले जाना होगा, यहाँ पे फुल साइज फ़ोटो रहेगी। अब मैं आपको टाइम के हिसाब से बता देता हूँ कि आप, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी फ़ोटो क्रॉप करके रखी है ना मैंने, यहाँ पे आप आ जाओगे 3 पॉइंट, यहाँ पर टाइम देख सकते हो 3.83 सेकेंड पे। इस जगह पर आपको क्रॉप करके फ़ोटो ऐड करनी होगी, क्रॉप करना तो आपको पता चल गया होगा, आपकी फ़ोटो फुल साइज होगी। यहाँ पे इस तरह से आपको दोनों उंगली से फ़ोटो को जूम कर लेना होगा, तो आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी। इस तरह से आगे जाना होगा, यहाँ पे 4.22 सेकेंड पे आपको इतनी फ़ोटो क्रॉप करनी है, आप देख सकते हो हाफ। उसके बाद 4.57 सेकेंड पे ना आपको इतनी फ़ोटो क्रॉप करनी होगी जितनी आपने पहले यहाँ पे की थी। इसके बाद 4.92 सेकेंड पे इस फ़ोटो को ना थोड़ा सा ज़्यादा जूम करना होगा, फेस तक लेकर आना होगा। इसके बाद आगे जाना होगा, यहाँ पे फुल साइज फ़ोटो ऐड करनी है 5.16 सेकेंड पे। यहाँ पे भी फुल फ़ोटो, यहाँ पे छोटी छोटी मैंने क्रॉप करके रखी हुई है ना, यहाँ पे फुल फ़ोटो ऐड होगी। बस आप ये फ़ोटो फ्लिप ऑटोमेटिक हो जाएगी, बस आपको फ़ोटो रिप्लेस करनी होगी और कुछ भी नहीं करना होगा। फिर यहाँ पर आ जाओगे आप 6.62 सेकेंड पे, यहाँ पे फुल फ़ोटो ऐड करनी होगी, इफेक्ट मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। उसके बाद आपको 7.24 सेकेंड पे चले जाना होगा, यहाँ पे टाइमिंग देखते हो 7.24 सेकेंड पे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो फ़ोटो को फुल ऐड करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे टाइम दे सकते हो 7.70 सेकेंड पे, इस फ़ोटो को आपको क्रॉप कर लेना होगा। क्रॉप करना तो आपको पता चल गया होगा, फ़ोटो पे क्लिक करके जितनी जूम करोगे उतनी फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी, और जितना इन करोगे अब उतनी फ़ोटो क्रॉप इन होगी। उसके बाद यहाँ पे चले जाना होगा 8.18 सेकेंड पे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फुल फ़ोटो ऐड की है, आपको फुल फ़ोटो ऐड कर लेनी होगी। और यहाँ पे 8.81 सेकेंड पे आपको फ़ोटो थोड़ी सी क्रॉप करनी होगी, फ़ोटो पे क्लिक करके पहले आपकी फुल साइज फ़ोटो होगी, फिर आपको थोड़ा सा जूम कर लेना होगा, फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी। इसी तरह से आपको 9.48 सेकेंड पे चले जाना होगा, यहाँ पे फुल साइज फ़ोटो, और लास्ट में आ जाएगा 10.02 सेकेंड पे, यहाँ पे आपको थोड़ी सी फ़ोटो क्रॉप करनी होगी जूम करके इस तरह से। तो आपकी ये वाली वीडियो बन जाएगी। तो अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हो सेम वैसी रील्स बन गई है। तो इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और नीचे टिक का ऑप्शन दिख रहा है, टिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा ताकि ये रील्स ना गैलरी में सेव हो जाएगी। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो ऑडियो का लिंक तो मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया, उस पे क्लिक करके आप ये वाली रील्स अपलोड कर देना तो आपकी रील्स वहाँ पे शो होने लगेगी। तो ये वाली रील्स ना अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पे लगाकर मुझे मेंशन जरूर कर दें, मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे आपकी आईडी को प्रमोट कर दूंगा। और अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इन वीडियो को जरूर वॉच करें, ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।